नमस्कार किसान भाइयों, कृषि भाई खेती समाचार में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है कृतिक और चलिए जान लेते हैं क्या रही आज की हेडलाइंस। आईआईटी रुड़की ने बनाया ऐप, किसानों को मिल सकेगी मौसम की जानकारी। राइस मिलों को सस्ती दरों पर जमीन देगी सरकार, किसानों को होगा लाभ। किसानों को जागरूक करेगी सरकार, चलेगा राष्ट्रव्यापी अभियान। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का उठाए लाभ, मिलेंगे 9,250 रुपए पेंशन। किसानों के लिए काम करेंगे अभिनेता आमिर खान, महाराष्ट्र से की शुरुआत। अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड के किसानों को मौसम की जानकारी देने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की ने किसान मोबाइल ऐप बनाया है। इसकी मदद से ब्लॉक स्तर पर मौसम की जानकारी मिल सकेगी। ऐप पर किसानों को मौसम पूर्वानुमान और खेती से जुड़ी सलाह भी दी जाएगी। आपको बता दें, शुरुआत में यह ऐप केवल हरिद्वार जिले के किसानों को ही जानकारी उपलब्ध कराएगा। इसके बाद धीरे धीरे इसका विस्तार अन्य जिलों में भी किया जाएगा। झारखंड सरकार चावल मिलों के निर्माण के लिए रियायती दरों पर जमीन उपलब्ध कराएगी। इसका उद्देश्य निवेशकों को नई मिलें खोलने के लिए प्रोत्साहित करना है। इससे प्रदेश में चावल के उत्पादन को मजबूती मिलेगी, किसानों को उपज की प्रोसेसिंग के बाद उचित दाम मिल सकेगा। आपको बता दें, प्रदेश में अभी 16 राइस मिल्स हैं। सरकार ने करीब 100 राइस मिल्स खोलने का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रति जागरूकता लाने के लिए सरकार देशव्यापी कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य फसल बीमा योजना में 1 करोड़ से अधिक किसानों को पंजीकृत करना है। अभियान के तहत फसल बीमा योजना का प्रचार प्रसार किया जाएगा। किसानों को रबी सीजन की बीमा पॉलिसी के पेपर भी दिए जाएंगे। आपको बता दें, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदा से फसलों को नुकसान होने पर मुआवजा दिया जाता है। भारतीय जीवन बीमा निगम प्रधानमंत्री वय वंदना योजना चला रही है। योजना के तहत एक मुश्त निवेश करने पर मासिक पेंशन मिलती है। इसमें मासिक, त्रैमासिक और अर्धवर्षीय पेंशन का भी प्रावधान रखा है। सामान्य नागरिकों के साथ किसान भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। 1,000 रुपये मासिक पेंशन के लिए 1,62,000 रुपये निवेश करने होंगे। निवेश के अनुसार आप अधिकतम 9,250 रुपये तक पेंशन पा सकते हैं। अपनी नज़दीकी LIC शाखा में जाकर अधिक जानकारी प्राप्त करें। अभिनेता आमिर खान का पानी फाउंडेशन महाराष्ट्र में खेती किसानी की दिशा में भी काम करेगा। खेती में फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य सोयाबीन की फसल को बढ़ावा देना होगा। फाउंडेशन विशेषज्ञों की मदद से खेती में सुधार लाने का प्रयास करेगा। फाउंडेशन ने सोयाबीन की खेती से जुड़ी एक किताब निकाली है और विशेषज्ञों की एक टीम बनाई है। ये टीम हर रविवार किसानों को खेती से जुड़ी जरूरी जानकारी देगी। किसान भाइयों, कृषि भाई खेती समाचार आपको कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के लिए दीजिए इजाजत, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।